नमस्कार मित्रों, बहुत बार पेशेंट की क्वारीज आती है कि हमको कोलाइटिस है संग्रहणी, ये एक दुष्चिकित्सा रोग है, ऐसा क्या किया जाए, जो परहेज ऐसा क्या किया जाए या होम रेमेडीज कुछ ऐसी हो जो इसके दुष्प्रभाव को कम करती हैं। आज का स्वास्थ्य का विषय यही है मित्रों। इसके लिए मैं चार पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, गर्म पानी का ही सेवन करना। जब भी आप पानी पियेंगे गर्म पानी ही पियेंगे। इसके अलावा गर्म पानी में अगर थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू निचोड़ लें आधा, उसका परिणाम बहुत ज्यादा बेहतर प्राप्त कराएगा आपको। दूसरा पॉइंट, खाली पेट हींग सौंठ और काला जीरा 1:2:8, यानी 1 भाग हींग 2:2 सौंठ पाउडर और 8 भाग काला जीरा, इसको 1 चम्मच घी पर तवे पर रखकर उसमें भून ले। इस अनुपात में पाउडर को तैयार कर ले और उस पाउडर को घी में भूनने के बाद 1 चम्मच पाउडर आप प्रातःकाल खाली पेट नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर के से पहले गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 से 1.5 चम्मच बेल का मुरब्बा गर्म पानी के साथ लें। लंच और डिनर के साथ मट्ठे का सेवन करें। रात्रि में सोते हुए 1 गिलास मट्ठे के साथ 1.5 चम्मच ईशा बोल का सेवन जरूर करें। प्रातः काल उठते ही गर्म पानी का सेवन करें खाली पेट। ये होम रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इनका सेवन करते हैं, इन 4 पॉइंट का सेवन करते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपको संग्रहणी या कोलाइटिस जैसे दुष्परिणाम वाले रोग में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद।